नसीम है। मेरा नाम मुजफ्फर है। तो आज का ब्लॉग नहीं है, बस फ्रेंड को छोड़ने जा रहा हूँ। वो जा रहा है डेली पढ़ने आईपीएस की तैयारी करने के लिए। भाई हम लोग तो वेले है, उसको वेले नहीं करना है। काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, आधे घंटे से। कुछ काम नहीं तो क्या करें, वेट ही कर लेते हैं, ब्लॉग बना ले, कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। दुनिया तुम भी यही हो, हम भी यही हैं। क्या नहीं करता यार, कल दिया हमेशा वेट कराता है और आज भी वेट करा रहा है। आधे घंटे से वेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे वेले का। तरह फूड में बैठ कर देख सकते हैं क्या वो नहीं भाई, हमको नहीं आता है। आज समझ में आ रहा, सुनाई दे रहा कि वसीम वसीम को चिल्ला रहा है भाई, वो ऐसे लेट करा था। 5 मिनट बोलते हैं, आधा आते आधे घंटे के बाद। भाई मत रो भाई, लास्ट दिन जाने के टाइम भी वेट कराए, आज भी भाई वापस चल हम लोग के साथ। इससे बड़ा क्या, मेरा कोई नहीं होगा भाई। मेरे बारे में बोलो भाई, क्या बोलना चाहते हो भाई, लास्ट बार कुछ बोल के जाओ भाई। I'll miss both of you. Yes. And especially me. यही इसका टिकट नहीं कटवा पाया और यही टिकट नहीं करवा, इसके वजह से आज हम जा रहे हैं। देखो मैं जितना कोशिश करता हूं कैसे रोक सका, आगे मेरा बस में नहीं है, जाने वाले को कौन रोक सकता है यार, है ना। हाँ भाई, बस साथ में चले हम भी, चलो जगह वगैरह है क्या ट्रेन में। मुजफ्फर अगर तेरे को डेली जाना है इसके साथ, तो चक्का पकड़ के चले जा। चक्का नहीं भाई, चक्का पकड़ के बैठ जाएंगे कहीं भी, बैठ के डूब के चल जाएंगे भाई। वैसे मैं तीनों टकला टेप का तीनों सेम है भाई, मीडियम तीनों सेम है यार हम लोग। लो भाई तुम पहले ये छोड़िए, ये लड़का ब्लॉग बना रहा है, इसको अगर रख रहा जैसे रख लीजिए। हाँ भैया भाई, बेरोजगारी है मेरे पास, रख लीजिए। लॉकडाउन में सब चीज चला गया मेरा। आप तो अंकल कुछ कर रहे हैं, सामान वान बिके कर, मेरा पास तो वो भी नहीं। सुबह से उठे कुछ नहीं किया भाई। शहनवाज वसीम आज पार्टी देने वाला था आज, क्योंकि लैपटॉप ले रहा है वो भाई। जिसको जिसको पार्टी लेना आ जाना, वसीम दे रहा आज पार्टी। खुशी देख रहे हो लड़के के मुंह पे, फोन क्यों कर रहा हूं। अंदर जाने नहीं देगा हम लोगों को भाई। भाई तो बस का बात नहीं है, ब्रिटिश का बना हुआ चीज को। किसी के लाइफ में अगर शांति ना हो, मुझे शांति चाहिए हो, तो भाई मसाज पार्लर छोड़ कर यहाँ आ जाना। हाँ भाई, बहुत अच्छा रिलीफ होगा, माइंड फ्रेश कर देता है ये। आधे एक घंटा अगर यहाँ रह लोगे, सही बहुत चलो चलते फाइनली। मैंने लैपटॉप ले लिया है और सिद्धार्थ से लैपटॉप मिला है, और इसका अनबॉक्सिंग घर पे चल के करते हैं। मुजफ्फर रेडी है ना तू? हाँ भाई, चलो आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ भाई। बहुत खुश हूँ आज, मजाक नहीं, मेरा लाइफ का पहला लैपटॉप है। चलो भाई पार्टी दे, पार्टी तो मिलेगा यार पार्टी। हम लोगों को काफ़ी वक्त लगे लैपटॉप परचेस करने में। रिलायंस डिजिटल गए तो वहाँ पे लैपटॉप का प्राइस पॉइंट काफ़ी ज़्यादा था, तो वहाँ से हम लोग चल गए ई मॉल में। काफ़ी जगह गए, हर स्टोर में गए, वहाँ पे एक ही लैपटॉप का प्राइस काफ़ी अलग अलग बता रहे थे। काफ़ी जगह ढूंढने के बाद एक स्टोर मिला, वहाँ पे लैपटॉप का प्राइस हम लोग को सूटेबल लगा, तो हम लोग डिसाइड किया यार ये लैपटॉप ले लेता हूँ। आखिरकार ये लैपटॉप मेरा हाथ में आ गया। चलो आपको दिखा दो लैपटॉप कैसे लिया। सबसे पहले इसका चार्जर है, मैंने पहले ही खोल के देख लिया था। ये अडेप्टर और ये इसका ये केबल साइड में रखते हैं। और लैपटॉप अगर बहुत अच्छे क्वालिटी का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे HP का ब्रांडिंग है। और आपको दिखाता हूँ वो लैपटॉप कैसा है यहाँ। लैपटॉप तो मुझे बहुत पसंद है, अगर मेरे को दिखाना भी जरूरी। सबसे पहले गाइस, ये आपका 2 USB केबल, यहाँ पे चार्जर जैक और ये माइक्रो SD, यहाँ पे इथरनेट केबल है और HDMI और टाइप सी केबल, साथ में 3.5 mm का हेडफोन जैक। लैपटॉप तो बहुत खूबसूरत है, दूर से देखने में ये लगेगा मैकबुक, अगर HP का लोगो हटा दे तो तब भी
मुझे बहुत पसंद है ये लैपटॉप, मैं मुझे तो मन कर रहा वसीम से छीन, चलो आपको इसका डिस्प्ले दिखा दूँ कैसा है। इसका डिस्प्ले यार 15.6 इंच का डिस्प्ले, सॉरी 19:1080 इसका रेजोल्यूशन है, और यह इसका फेसेस काफ़ी पतला है, बहुत पतला, विथ मैट ग्लास फिनिश। इसका साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, 1 TB हार्ड ड्राइव के साथ और 8 GB रैम इसका, इंटेल i5 प्रोसेसर 10th generation और माइक्रोसॉफ्ट इनबिल्ट आता है इसमें लाइफ टाइम के लिए, और क्या चाहिए यार। मैंने i7 नहीं देखा क्योंकि मुझे उतना प्राइस पॉइंट पे जाना नहीं था यार, मुझे मेरा काम i5 से हो जाता और उतना हाई काम मुझे करना भी नहीं है यार। मुझे तो ये लैपटॉप बहुत अच्छा लगा, मुझे इसका कॉस्टिंग पड़ गया 54,500, अगर आपका बजट है आप जाके ले सकते हैं। मैं तो क्या बोलूँ, अगर मुझसे पूछेगा तो मैं आपको प्रेफर करूँगा लेने का, पर ये आपके ऊपर है आपका बजट कैसा है कितना है। मैंने काफ़ी लैपटॉप देखा है, HP का देखा, डेल का देखा, एसएस का देखा, एसर का देखा, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, और डेल का इसी प्राइस पॉइंट पे, सॉरी इसी इनबिल्ट के साथ आता है वो 65,000 का, तो मैंने सोचा यार ये सेम प्राइस में आता है और सॉरी मेरे सेम प्रोसेसर के साथ आता है, मैं HP क्यों ना प्रेफर करूँ। हाँ डेल थोड़ा बड़ा ब्रांड है पर यार HP से भी मेरा काम चल जाएगा, और ये i5 तो मुझे चाहिए ही था, उससे ज़्यादा मुझे कुछ काम नहीं रहता है एडिटिंग, और एडिटिंग के लिए तो काफ़ी बेस्ट है, मुझे गेमिंग तो करना नहीं है, तो मैंने इसका ग्राफिक्स कार्ड लिया नहीं और उसका काम भी नहीं है मुझे, मेरा काम इसी से हो जाएगा। 1 TB और 8 GB रैम काफ़ी होता है एक लैपटॉप के लिए, जो हमारा काम आसानी से चल जाएगा। देखता हूँ कैसा लगता है आपको, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको लैपटॉप। फाइनली हम लोगों का ब्लॉग कंप्लीट हो चुका है, ये ब्लॉग में बहुत स्ट्रगल किए हम लोग, काफ़ी दिन भी लगा, 3-4 दिन लगा चुके हैं हम लोग ये ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि लैपटॉप परचेस नहीं किए थे और लैपटॉप का फीडबैक भी देना था, रिव्यू देना था आपको, इसलिए काफ़ी दिन लगा। और पिछले हम लोग का 2 ब्लॉग जाके देख लेना, अगर कुछ भी गलती हुआ तो उसके लिए सॉरी। कुछ भी बोल रहे भाई, अपना जनता अपने साथ है, बोल नहीं यार बुरा मत मानना, बोल 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 भाई, हम नहीं ये पूरा 2-2.5 घंटा लगाया है ये अपना रिव्यू देने के लिए भाई, मेरा तो सर का बाल उड़ गया इसका वीडियो बनाते बनाते। अबे तो मुझे पर पता क्या बोलना चाहता है, बस ये बोलना चाहता अपने वर्ड के साथ, फिर अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोग अपना कम्युनिकेशन स्किल में पहले से और ज़्यादा सुधार लाएंगे। और कुछ मुजफ्फर, कीप सपोर्टिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, और सब्सक्राइब करना मत भूलना हम लोगों के चैनल में, और बेल आइकन जरूर दबाना।